मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। जी हां, मैं हूं आपका सूरज तिवारी। सो हेलो, हाय, नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग चैनल सूरज तिवारी ब्लॉग में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं और सतीश भाई हमारे न्यू BMW बाइक के लिए एक न्यू बढ़िया ब्रांडेड और सुंदर सा हेलमेट लेने जा रहे हैं। अब ब्रांडेड नाम सुनकर ये मत समझना कि बहुत ही महंगा हेलमेट लेने जा रहे हैं। जी नहीं, हम अपने बजट में और अच्छा और सस्ता हेलमेट लेंगे, जो बढ़िया भी हो, मजबूत भी हो और अच्छा भी लगे। तो आज मैं सतीश भाई निकलेंगे मुंबई की गलियों में और ढूंढेंगे कहां पर मिलता है सस्ते बजट में एक अच्छा हेलमेट, क्योंकि एक अच्छा हेलमेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलो निकलते हैं और ढूंढते हैं, देखते हैं कि हमें मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, और अगर मिलता है तो आप लोग भी वहां से हेलमेट खरीद सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, तो हेलमेट लेने चलते हैं। पर उससे पहले फाइनली सतीश भाई का न्यू व्लॉगिंग मोनोपॉड आ चुका है, तो सतीश भाई भी व्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं। तो भाई अनबॉक्सिंग करो इसकी फटाफट, फिर चलते हैं। सो गाइस, ये इज द प्रोडक्ट। गाइस, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप इसे अमेजोन फ्लिपकार्ट कहीं से भी बाय कर सकते हैं। और ये रहा ट्राइपॉड, बहुत ही ज्यादा कम्फर्ट और प्रीमियम है। एक मिनट, उसका वो कहाँ है, MI का वो उसका बटन होता है, पक्का नहीं है? नहीं है पक्का। ओ भाई, नहीं, कुछ तो है उसके अंदर, देखो इस तरफ में कुछ तो है। यो, बटन भी मिल गया। हाँ, वरना फिर रिप्लेस करते ब्रो। नया है ना, थोड़ा सा भी टाइट होगा, अच्छा भी सेफ्टी होगी, लाइट वेट हो गया ना एकदम, देखो। हाँ। यो नाइस। हाँ यार, बहुत लाइट है, बहुत लाइट है, पर दबा दिया, चालू हो गया, दबा दिया, बंद कर दिया, एक नंबर। So what's up guys, मैं आ चुका हूँ back again with the new video, दानी जैन वही वे। भाई ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब ब्लॉगिंग का असली मजा इसमें है। So guys, मैं आ चुका हूँ ब्लॉगिंग करने के लिए। गाइस, मैं जा रहा हूँ ब्लॉगिंग करने के लिए, और गाइस मैं आ गया ब्लॉगिंग करके। ब्लॉगिंग हो गई गाइस, अब मेरी कल वीडियो आ जाएगी। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, कमेंट और सुपर चैट भी कर देना। तो चलो चलते हैं, हेलमेट लेने हो गई इसकी अनबॉक्सिंग। तो चलो हम सेट हैं और अब चलते हैं। भाई ये हम आ गए कपूर मोटर्स। आते आते मैं रास्ता भूल गया था। तो यहाँ पे कंटिन्यू मैं देख रहा हूँ लाइन से बहुत सारी मतलब सारी गाड़ियों की सारी चीज़ें होती रहती है। यो भाई, आप पहले कैसे आ गए? मैं पहले से आ, मेरी दुकान है। आपकी दुकान है क्या? वाओ, बहुत वाइड और बहुत बड़ा कलेक्शन है यहाँ पे। लेट्स सी क्या मिलता है हमें। भाई लंबा चौड़ा कलेक्शन है, देखो सूट्स भी है यहाँ पे। सबसे हार्ड हम लोग को ये वाला हेलमेट लगा है, सबसे हार्ड ये वाला लगा अपने को। ये देखो, बस वही निंजा लेने वाले सरप्राइज है तुम लोग के लिए। भाई आप हर बार सरप्राइज बता देते हो यार। अच्छा सॉरी, सरप्राइज है कि पता नहीं कौन सी लेने वाली गाड़ी है। पता नहीं कौन सी गाड़ी लेने वाले, कुछ तो लेंगे ऐसे चाहिए ना अपने को। दिखेगा, प्रॉपर दिखता है, चीज ही वैसी है, पूरा गर्दन जाएगा इसमें। दिख रहा है आपको? प्रॉपर दिख रहा है ना, खोलो एक बार, लोगों को आप भी तो दिखने चाहिए। हाँ अभी कर सकते हो, बस डन। अच्छा था, प्रॉपर दिख रहा था एकदम, सही है। केड़ी चीज, क्यूट एंड इनोसेंट ना, नहीं कंफर्टेबल नहीं है ये, ऑफरोडिंग है, बढ़िया है, देखो कंफर्टेबल है। कैसा कंफर्टेबल है? प्रॉपर सेफ्टी वाला चाहिए, वाइजर नहीं है इसमें? ओके, तो वाइजर वाला रहेगा तो कुछ ऑप्शन दिखाओ मुझे, एक्सोर में दिखाओ, वेगा में दिखाओ, चलेगा। भाई ऑफ रोडर है लेकिन इसमें गॉगल्स कैरी करने पड़ेंगे। हाँ ऐसा कुछ भी ठीक है, केड़ी चीज इसमें कैसा? डुअल वाइजर, डुअल वाइजर है, और okay. प्लस DOT और ECE सर्टिफाइड। इसका जो नाइट वाइजर है वो इधर से आएगा। ओके नाइट वाइजर, और उसके बाद ये इसमें टिंट ले सकते हो अगर इसका है। टिंटेड है ना, सही है। और ये डिफॉगर के साथ में आता है, इसमें फॉग नहीं होता। फॉग नहीं होगा, पहन के देखो इसको क्या फील हो रहा है, बढ़िया है। ये फॉग इस पे नहीं, मतलब बारिश वारिश के लिए तुमको अच्छा रहेगा ना, है ना? मिरर वही मिरर है, थोड़ा आगे जाके देखो, दिखेगा। लुक कैसे आ रहा है? लुक अच्छा आ रहा है, ग्रीन चाहिए भाई। ये थी कुछ परफेक्ट, मतलब ये है कुछ परफेक्ट चीज, ऑफ रोडिंग विथ अलग से ग्लास है इसके अंदर, मर्जी आयल लगा लो, बस ये निकाल लो इसको, स्ट्रैप है इसका, ये इसको बर्कमैन पे भी पहन के पैर घूमेंगे, मस्त दिखेगा ये, बहुत सही दिखेगा। मतलब ये इसमें भी लगा सकते हैं अपन, इस वाले में, ये रहे इसके ग्लासेस, सही चीज है ये। तो इसमें वही BMW पे जो जमेगा वो कलर का क्या बोलते हैं, देखिए। हाँ वैसा कलर लेंगे, पर मतलब ये सही चीज लग रही है मेरे को, मतलब ज्यादा सबसे अच्छा लग रहा है,
बाकी सब में सही तो है, सही लग रही है, ये मस्त दिख रहा है, दिख भी रहा सही भी हल्का भी है ये। लाखों मिन्नतों के बाद में एक चीज पसंद आई गई, तब से हमें खाली कलर जो चाहिए आप ले सकते हो। वैसे कलर ऑप्शन अच्छा था, ये वाला अच्छा था ऑप्शन। फाइनली व्हाइट डन कर लिया, मुंबई की गर्मी को मद्देनजर रखते हुए व्हाइट कलर को डन किया गया है। नन्हे भाई व्हाइट कलर डन है। मैं कहता है कि धूप आएगा तो अंदर सर गर्म नहीं होगा, आपके बाल बड़े होंगे, हमारी तरह छोटे रख नहीं सकते, हमारी तरह नहीं मतलब इनकी तरह, हमारे खुद के बड़े देखो कितने बड़े बड़े। तो ये डन करते हैं, अब देखते सतीश भाई के लिए, अरे अच्छा दिखेगा मेरे हिसाब से आपके ऊपर, ये मतलब ज्यादा बड़ा नहीं दिख रहा, टिंटेड है भाई, अभी अच्छा दिख रहा ना, बहुत हार्ड दिख रहा है भाई। ये अच्छा ऑप्शन है, ऑफ रोडिंग में ये लगाना पड़ेगा गॉगल। फिर वो गॉगल कितने का आता अलग से? गॉगल क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा तो हेलमेट है अपना 6000 का और गॉगल फिर कितने तक आएगा? आपके ऊपर 1500 का है। 1500 का है, मतलब स्टार्ट होता है कहाँ से? अच्छी ब्रांड में लेंगे ना भाई 2000 से स्टार्ट है। फिर ये 1500 में क्यों? अच्छा नहीं मतलब मतलब 1500 से शुरू होकर जाता है कितने तक? 3-4000 तक। भाई ने देखा था 35000 का कुछ था, आई गेस वही था, तो उसमें ऐसा क्या स्पेशल रहता है? लाइक लाइट वेट रहता है और वो कार्बन फाइबर से बनता है। अच्छा अच्छा कार्बन फाइबर रहता है, बहुत लाइट वेट रहता है, जीएसपी जमेगा नहीं होगा। इसका ये ना पता नहीं क्या है, लूज हो गया, बार बार निकलते रहता है और उसके अंदर का वाइजर नहीं आ रहा नीचे, बाकी सब तो इसमें है। अच्छा फ्रेंड जसनैन पाजी आ गए हैं, तो जसनैन पाजी से मिलते हैं और ये दिखाएंगे अब आगे कुछ और, अगर अच्छी चीज़ है क्या, प्राइस रेंज है क्या नहीं है, वो सब बताएंगे और दिखाएंगे अपने को थोड़ा बहुत क्या चीज़ है। तो जसनैन पाजी, तो भाई ऐसे अपने भाई ने आपको एग्जॉर के हेलमेट्स दिखा दिया हमारे स्टोर पे, बट आपको अभी एक लिमिटेड एडिशन चीज दिखा देता हूँ, उसमें क्या क्या है हमारे पास में। जी वो दिखाने कार्बन दिखा, एपेक्स वो तो छोड़, मैं आपका वेट ही कर रहा था, बोला ना वो भाई ने जल्दी आओ करके, कैसे ना कैसे आया फटाफट, कार्बन दिखा दिया मेरा, जाओ फिर घर पे कल से छुट्टी पे भाई, ये दुकान मेरा बैठेगा। ज्यादा टाइट रहना चाहिए क्या हेलमेट की? ज्यादा टाइट भाई इधर से होना चाहिए, इधर टाइट है सर दुखेगा, पीछे से अच्छे से अटैच हो, आगे से फिट हो, टाइट टाइट ना हो। तो भाजी क्या है अपने पास में स्पेशल कुछ? तो ये एक्सोर के दो कार्बन फाइबर एडिशन मॉडल आते हैं सर, ये दोनों लिमिटेड एडिशन आते हैं जी। ये रेंज हो गया है, कार्बन फाइबर रेंज है, ये कार्बन फाइबर एपेक्स। ओके, अगर दोनों में आप फर्क की बात करेंगे तो इसके अगर आप बॉडी देख पाएंगे सर, इसका वो एक ग्राफिक्स दिख रहा है कार्बन के अंदर जी जी जी, और इसमें ऐसा एकदम प्लेन कार्बन फाइबर। ओके, इसमें ग्राफिक्स नहीं, इसमें कुछ भी ग्राफिक्स नहीं। ओके, दोनों में फर्क बोलेंगे सर जी, इसमें कैसा है ये सिंगल वाइजर आता है जी, ये इसके अंदर आपको ड्यूअल वाइजर दिया हुआ है, ड्यूअल वाइजर है जी, दोनों में आपको एंटी फॉग लग के आता है, बट इसका वेट इससे कम है बिकॉज इसके अंदर आपको ड्यूअल वाइजर की मैकेनिज्म फिट है। ओके, बट इसकी पैडिंग जो है थोड़ी सी प्रीमियम क्वालिटी की, पैडिंग बहुत ही प्यारी है इसकी, इसकी पैडिंग थोड़ी नॉर्मल आती है, देन तो अच्छी है। हाँ अच्छी तो है सर, अभी प्राइसिंग की बात करो तो ये 9000 का या 12000 का। ओके सही है, तो वैसे अपने पास में बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होता है हेलमेट का रेंज? स्टार्टिंग से अगर आप बेसिक हेलमेट बोलते हो नॉर्मल 400 स्टार्टिंग है हमारा, 400 शुरू हो जाता है यहाँ पे बेसिक हेलमेट, और अगर आप ब्रांड में देखेंगे तो 1000-2000 तक अच्छी क्वालिटी हेलमेट मिल जाता है। ओके, देन उसके बाद में लास्टली कितना मतलब अच्छा? लास्ट सर ये 12000 रुपये फिलहाल अभी तक है, मतलब ये अवेलेबल है, बाकी उससे ऊपर कुछ चाहिए तो लाइक ऑर्डर करके बता के आप कर सकते हैं ना। और एक दूसरा हेलमेट जो आपको बता रहा था इसके अलावा हाफ फेस में, हाफ फेस में जी वही है, वो रेट्रो लुक, फुल रेट्रो, जितने भी जावा वाले हो गए, बुलेट वाले, हार्ली वाले, ये सब को लोग उन पे मैच कर जाता है, सब में ज्यादा जावा और हार्ली वालों पे बहुत मैच करता है, बहुत सही है। और ये प्योर हैंडक्राफ्टेड हेलमेट है। ओके, इसके अंदर जो भी देख रहे आपको पैडिंग, ये रियल लेदर है। ओके, ये फेक लेदर नहीं है, सब कुछ रियल है, ये रियल है, आपको मैं दोनों फर्क दिखाता हूँ, ये रेक्सिन मटेरियल है। ओके, तो ये क्या है मतलब उसका डुप्लीकेट है? नहीं ये डुप्लीकेट नहीं सर, ये उसी में बेस मॉडल है। ओके, बेस मॉडल है, टेक्सचर भी प्रॉपर फील कर सकते हैं। अच्छा, ये वॉशेबल है क्या? निकाल, वॉशेबल निकाल दो, प्लस जो लुक है मेन गॉगल के इसके, सबसे मेन तो वही लुक है। कैसा लग रहा है? बहुत मस्त, बहुत ही प्यारी चीज है, खतरनाक। तो अपने पास में सूट्स और उसके बाद में जितने भी है लेवल 1, 2, 3 के ग्लव्स हो गए, राइडिंग जैकेट्स मिल जाएंगे भाई लेवल 2 स्टार्टिंग, राइडिंग शूज मिल जाते हैं शॉर्ट लॉन्ग जैसे आपको चाहिए जो कंफर्टेबल हो, आपको राइडिंग पैंट्स है। ओके, और कुछ भी राइडिंग ऐसे आपको टैंक बैग्स हो गए जो बाइक पे हम टैंक बैग लगाते हैं माउंट करते हैं वो मिल जाते हैं, सैडल बैग्स मिल जाते हैं, बाइक कवर्स मिल जाएंगे, नाइस, मतलब एनीथिंग रिगार्डिंग बाइकिंग, एनीथिंग जो भी चीज। तो ये है बेसिक्स, ये सारे हेलमेट्स है, ये अपना ऑफरोडिंग वाला है ना जी, सॉरी ये भी दिखाया था मैंने, ये भी तगड़ी चीज है, ये अपना ऑफ रोडिंग टूरिंग के लिए और ये अपना रेसिंग, काफी कंफर्टेबल था ये,
एक हाथ में ऑफ रोडिंग, एक हाथ में राइडिंग। ये है 2000, ये है 3600-700। भाई ग्रिपिंग के लिए पता है ये है। इसको पहन के तुम वेनम बन चुके हो या स्पाइडरमैन, और इसको पहन के हल्क नहीं बेंटन। लेकिन ग्रिपिंग इसी में अच्छी है, ज्यादा अच्छा है इसका, इसका बहुत अच्छा ग्रिप है। भाई मुंबई में सिंगल पीस है, सही है, कैसा लग रहा है? पता है क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है? व्हाइट ब्लू ये और गॉगल में येलो है ना, तो अपना जो सॉकअप है ना उसका वो भी येलो गोल्डन में ही है ना, तो एकदम तगड़ा लग रहा है। बैंक लूटने जा रहा है ऐसा लग रहा है। रॉबरी। बेटर फिटिंग आएगी अभी। फाइनली हेलमेट डन हो गया, परफेक्ट हो गया भाई, फुल रेडी हो गए गियर के साथ में। तो क्या स्पेशल है भाई इसके अंदर हेलमेट में अपने? तो बेसिकली सर ऑफ रोड हेलमेट सबसे लाइटेस्ट हेलमेट है, लाइटेस्ट प्लस इसमें एक स्पेशलिटी है जो कोई भी ऑफ रोड हेलमेट में नहीं है कि इसमें आपको एक लिप स्पॉइलर दिया गया। ओके जो एक्सटेंडर बोलते हैं इसको हम लोग। नाइस। तो एक्चुअली इसका यूज क्या होता है? लिप स्पॉइलर कैसे, जब आप और स्पीडिंग करते हो जैसे भाई ने बोला कि हेलमेट हिलता है, ये कट करता है। ओके 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 नाइस नाइस। तो भाई पूरा हेलमेट साथ में ग्लास लुक्स ऑसम। आपके साथ में सामान लेके चलिए, आप आते रहेंगे मिलते रहेंगे। हाँ तो फाइनली घर आ गए। ये पूरी शॉपिंग और सबसे बड़ा कांड किया मैंने कि मैं अपना कैमरे का बैग ही भूल गया, मतलब चोर पर ही रह गया। मतलब मैं सोचा था कि हेल्प करूँ भाई को, जरा ये सब उनके गाड़ी पे लोड करने के लिए हेल्प करने सोच रहा था, और मैं बैग ही भूल गया। अभी मैंने कॉल किया और उनको बोला भाई को, तो भाई ने बोला ठीक है, शॉप बंद कर दिया था उन्होंने, फिर भी वो खोल के अभी उसको देखे और बाद में उसको जाके लेना पड़ेगा, लाइक कल जाके लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो ये लास्ट में ये कांड हो गया। तो चलो दैट्स इट फॉर टुडे, आज का व्लॉग ये खत्म करते हैं। व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो ध्यान से देख लेना कि बेल आइकन दबा दिया। बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग।